तक इस्लाम पहुंचा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी इस्लाम को आपके जरिए। और ये वो शख्सियत पाक थी कि जिसके मुतल्लिक मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया था कि लौ कान अबादी नबी, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता, कोई नबी हो सकता या मेरे बाद कोई नबी और आ सकता तो वो हजरत उमर होते फरमाए। लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं, नबुवत का दरवाजा अल्लाह ताला जल्ला मजल करीम ने मेरी जात पर खत्म फरमा दिया, फरमाया मेरे बाद अब क्यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी अबादी, मेरे बाद फरमाया कोई नबी नहीं होगा। आपने मुतलकन फरमाया, ये नहीं फरमाया कि कोई जिल्ली या बरूदी थी ना जी, आर्जी या असली थी ना जी, ऐसा तो कोई फलां तो आ सकता है फलां नहीं आएगा, ये हरगिज़ आपने नहीं फरमाया। मुतलकन आपने फरमाया कि ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। नबूवत को अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम ने अपने प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम की जात अकदस पर आप अल्लाह ने खत्म फरमा दिया है। आपके विशाल बा कमाल के बाद विलायत का सिलसिला तो जारी है, नबी कोई नहीं आ सकता फरमाया। और अगर कोई आ सकता होता तो मेरे आका ने फरमाया वो उमर इब्ने खत्ताब होते थे, उमर इब्ने खत्ताब होते। आप इसी से अंदाजा फरमा लें कि उनके फजाइल, उनके कमालात, उनकी अजमत शान और उनकी बुजुर्गी और उनके फजाइल और कमालात कितने बड़े हैं कि नबी पाक ने फरमाया अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर होता, लेकिन ला नबी अबादी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ली खमसा तो असमा, आना मुहम्मद व आना अहमद व अनल माहीदी यमल्लाफरा व अनल आकिब अल आकिबुल्लदी ला नबी अबादा। फरमाया मेरे पांच नाम हैं, मैं मोहम्मद भी हूं, मेरा नाम अहमद भी है, मेरा नाम माही भी है, मेरा नाम आकिब भी है। और खुद इरशाद फरमाया कि आकिब वो होता है कि अल आकिबुल्लज़ी ला नबी अबादा, कि जिसके बाद कोई नबी ना हो। मैं हूं वो कि जिसके बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबीयीन हूं। और फरमाया अगर कोई आ सकता होता तो वो हजरत उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई और नबी नहीं है। जिस शख्सियत को, जिस जात अकदस को हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपना जानशीन और अपना कै मकाम, अपने लिए खलीफा नाम सद फरमाया, वो कोई आम शख्स नहीं था। और निगाह सिद्दीकियत देख रही थी कि इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम फारूक आदम के जरिए अल्लाह इस्लाम को इज्जत बख्शेगा। इसीलिए सहाबा से मुशावरत करके आपने फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जानशीन मुकर्रर फरमा दिया। और किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, सब ने मान लिया और आपके बाद आपके हाथ पर बैत कर ली, तो गोया सहाबा का इजमा हो गया, सहाबा का इजमा हो गया हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानशीनी पर और उनकी खिलाफत पर। तमाम के तमाम सहाबा मुत्तफिक हो गए और आपको अपना खलीफा मुंतखब फरमा दिया। इस्लाम लाने से पहले आप इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। इस्लाम कबूल करने से पहले आप इस्लाम के साथ बड़ी दुश्मनी रखते थे और आप इस्लाम का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन से, दीन हक, दीन इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए हर वक्त प्रोपागंडा करते और लोगों को रोका करते थे कि आप इस नए दीन को कबूल न करें और उसी दीन पर रहें जो आबाव अजदाद का चला आ रहा है।
लेकिन आप किसी एक आदमी को भी बरगश्ता नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम जब दिल में किसी के रच बस जाता है तो दुनिया बदल जाए वो इस्लाम से हट नहीं सकता। अगर कुछ भी हो जाए वो इस्लाम को नहीं छोड़ सकता बशर्ते कि इस्लाम उसके दिल में रच बस जाए। जिसके दिल में इस्लाम रस बस जाता है वो कभी भी किसी हालत में भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशें की कि लोगों को बरगश्ता करे इस्लाम से, लेकिन आप किसी एक आदमी को भी बरगश्ता नहीं कर सके। एक दिन उन्हें बड़ा गुस्सा आया और दिल में यह फैसला किया कि लोग मेरे कहने पर इस्लाम को तो नहीं छोड़े जो मुसलमान हो गए जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है।